बकरीद की पूर्व संध्या पर एक्शन मोड में दिखा पुलिस प्रशासन। भारी फोर्स के साथ एसपी ने क्षेत्र में लाल गेट से लेकर बीबीगंज ईदगाह तक की पैदल गश्त। एसपी ने बीबीगंज ईदगाह का भी किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। एसपी विकास कुमार ने मीडिया को भी किया ब्रीफ। एसपी ने बताया कि ईदगाह के साथ भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी तैनात किया गया है भारी पुलिस फोर्स। लगातार क्लस्टर मोबाइल की टीम जिले में रहेगी गश्त पर। किसी भी प्रकार की अराजकता को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। सोशल मीडिया पर भी साइबर सेल की टीम पैनी नज़र बनाए हुए है। एसपी ने बताया कि बकरीद के त्यौहार सभी को शांतिपूर्ण सौहार्द का आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई है। एसपी ने बताया कि किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करें। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद रहेगी। आइए देखते हैं क्या कुछ बताया है नव आगंतुक एसपी फतेहगढ़ विकास कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान। बकरीद का त्यौहार है और उसके लिए फतेहगढ़ पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और आप लोग देख रहे होंगे आज हमारे द्वारा कम से कम 5 से 6 किलोमीटर पैदल रूट मार्च और उसके अलावा गाड़ियों से लगभग सभी इम्पॉर्टेंट मस्जिद और ईदगाह देखे गए हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कल का त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से गुजरे और सभी जगह मुआयना करके फोर्स के पहले से डिप्लॉय किया जा चुका है और जो कुछ भी एक्स्ट्रा हम लोग कर सकते हैं उसकी भी प्लानिंग की जा चुकी है और वो भी किया जा रहा है। लोगों के सहयोग से पुलिस कल पूरा का पूरा त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनवाने में प्रयास करेगी। सर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? सुरक्षा व्यवस्था के लिए ही ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और पीआरवीज को भी रूट को भी चेंज किया गया है, उनके पॉइंट्स को चेंज किया गया है, क्लस्टर मोबाइल बना लिए गए हैं और सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। हम लोग पूरा आश्वस्त हैं कि कल का त्यौहार शांतिपूर्ण रहेगा। ठीक।